नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र सरवरिया, पत्रिका टीवी के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 72 घंटे सफर करने के बाद भोपाल पहुंचे 4 शेर, अब यहां बनेगी लॉयल सफारी। फोटो स्टूडियो की आड़ में छापे जा रहे थे 2000 रुपए के नकली नोट, पुलिस ने रैकेट बस्त किया। भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, आग बुझाने का काम अब भी जारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने उठाए शरणबद्ध शराबबंदी पर सवाल, शिवराज सरकार से पूछे सवाल। हर्षोल्लास से मना बैसाखी पर्व, अम्बेडकर को भी याद किया गया। मध्य प्रदेश को भले ही गुजरात से सिंह यानी कि लॉयन ना मिल पाए हो, पर लॉयन सफारी बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ी गया। शुक्रवार को गुवाहाटी से चलकर सिंहों के 2 जोड़े वन विहार पहुंचे। लगभग 72 घंटे के थकाऊ सफर के बाद शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे ये 2 जोड़े भोपाल पहुंचे। वन विहार चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर पीके गई और वरिष्ठ डॉक्टर अतुल गुप्ता की निगरानी में गुवाहाटी गई एक टीम शुक्रवार सुबह ही इन सिंहों को लेकर भोपाल पहुंची। वन विहार पहुंचते ही अब इन सिंहों को नया नाम दिया जाएगा। ये भी संभावना है कि अब वन विहार में शेरों की संख्या अधिक हो गई है, लिहाजा यहां अब लॉयन सफारी शुरू कर दी जाए। अभी यहां पर ग्रीन सफारी संचालित है जिसमें शाकाहारी जीवों को दिखाया जाता है। उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी चिड़ियाघर से सिंहों को लाने के लिए 9 अप्रैल को नेशनल पार्क वन विहार से एक टीम गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। यह टीम 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे 2 मादा और 2 नर सिंहों को लेकर भोपाल के लिए चली। वन विहार के डॉक्टर अतुल गुप्ता के अनुसार शेरों की उम्र लगभग 10-10 वर्ष और शेरनियों की उम्र क्रमशः 6 और 7 वर्ष है। वन विहार के डिप्टी डायरेक्टर पीके घई के अनुसार गुवाहाटी चिड़ियाघर प्रबंधन ने इन सिंहों को कोई नाम नहीं दिया है। ऐसे में वन विहार पहुंचने के बाद वन प्रबंधन इनका नामकरण करेगा। वन विहार प्रबंधन इसके पहले लंबे समय से गुजरात के जूनागढ़ चिड़ियाघर से शेरों का एक जोड़ा लाने का प्रयास कर रहा था। नवम्बर 2015 में जूनागढ़ पहुंची वन विहार की टीम को यहाँ 12 साल की एक बूढ़ी शेरनी और 15 साल का एक बूढ़ा शेर दे दिया गया जिसकी एक आंख खराब थी। वन विहार प्रबंधन ने ये शेर लेने से साफ इनकार कर दिया। सिंहों के 2 जोड़े वन विहार पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि वन विहार में सिंहों को देखने के लिए प्रतिदिन पर्यटकों का खासा तांता लगा रहता है। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सिंहों को, टाइगर्स को, तेंदुओं को देखना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं। लिहाजा अब सिंहों के पहुंचने से वन विहार में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। नोटबंदी के बाद मिसप्रिंट और रंग छोड़ते नोटों की समस्या के बीच भोपाल की क्राइम ब्रांच ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो फोटो स्टूडियो की आड़ में नकली नोट छाप रहे थे। नोटबंदी के बाद मध्य प्रदेश में संभवतः पहला मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में नकली नोट पकड़ाए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस के अनुसार उन्हें गुरुवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि 4 लोग नकली नोट छापने का काम कर रहे हैं। इस पर टीला जमालपुरा क्षेत्र में इंदिरा नगर स्थित मकान नंबर 345 में रहने वाले फहीम पुत्र नन्ने कुरैशी को काजी कैंप के रिलायंस पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर लिया गया। फहीम के पास से पुलिस को 2-2 हजार रुपए के 75 नकली नोट मिले। उनसे पूछताछ के बाद बुधवारा में रहने वाले दानिश अली का पता चला। जब दानिश को गिरफ्तार किया गया तो इस मामले की और भी परतें खुलकर सामने आ गई। दानिश के पास भी पुलिस को 2-2 हजार रुपए के 15 नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि दानिश ने पूछताछ में अपने 2 अन्य साथियों वसीम उर्फ समीर शेख और जितेंद्र उर्फ जीतू के बारे में बताया है। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस ग्रोह का मास्टरमाइंड दानिश है और उसने कबूला है कि वह कर्जे में था, इसलिए नकली नोट छाप कर कर्ज उतार रहा था। आरोपियों के पास से पुलिस को 2,06,300 रुपए के कई नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस रैकेट को बस्ट कर मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नकली नोट के कारोबार को कमर तोड़ने की कोशिश की है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस ग्रोह में अभी भी और सदस्य हैं जिन्हें अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फिलहाल यह जांच का विषय है, पर नकली नोटों का रैकेट बस्ट होना ये बड़ी खबर है। कागज की कटिंग करते हैं।
इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा में स्थित एक ऑयल फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर को भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसने आसपास की इमारतों को भी चपेट में ले लिया। थोड़ी देर में आग का धुआं पूरे इलाके में फैल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की। बताया गया कि जब आग लगी तो फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने उसे देखा और तत्काल फैक्ट्री में उपलब्ध संसाधनों से आग को बुझाने की कोशिश की, पर जब आग नहीं बुझी और फैलती गई तो उन्हें फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहले पानी से और फिर फोम से केमिकल की आग को बुझाने की कोशिश की, पर आग जब बढ़ती गई तो फायर ब्रिगेड की अन्य गाड़ियां बुला ली गईं। खबर लिखे जाने तक गोविंदपुरा की इस इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में आग जारी थी और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई थी। मध्य प्रदेश में इन दिनों शराबबंदी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और रिहायशी इलाकों में खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए लाठी डंडों से शराब माफिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि सरकार अगले साल तक चरणबद्ध तरीके से शराब पर प्रतिबंध लगा देगी, पर सरकार के इस बयान पर अब भाजपा के ही वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर ने सवाल उठाए। गौर ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यदि सरकार को शराबबंदी करना है तो चरणबद्ध तरीके से करने की क्या जरूरत है, शराबबंदी का फैसला तो मिनटों में लिया जा सकता है, फिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। गौर ने आगे कहा कि शराब सामाजिक बुराई है और ऐसी बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए इस पर ठोस प्रहार करना जरूरी है। सरकार यदि बुराई को खत्म करना चाहती है तो कदम उठाए। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब बाबूलाल गौर ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हो। इससे पहले वो अवैध खनन, कालाबाजारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विधानसभा में सरकार को घेर चुके हैं और सरकार के समक्ष परेशानियां खड़ी कर चुके हैं। पूरे शहर में आज बैसाखी पर्व की धूम रही। खालसा पंथ सजना दिवस और पंजाब में फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला बैसाखी पर्व राजधानी में भी शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विभिन्न गुरुद्वारों में सुबह से ही प्रार्थना और भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया था, जो कि दिन भर जारी रहा। सिख समाज के लोगों ने एक दूसरों को बैसाखी की बधाइयां दी। टीटी नगर स्थित गुरुद्वारे में शाम को कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें पंजाब के पटियाला से आए रागी जत्ता भाई अमरजीत सिंह ने कीर्तन कर संगत को निहाल कर दिया। इस गुरुद्वारे में 2 दिन से चल रहे अखंड पाठ का भी शुक्रवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सिख समाज की उन्नति और खुशी के लिए प्रार्थना की और एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शुक्रवार को याद किया गया। अंबेडकर जयंती पर भोपाल समेत संभाग के सभी 6 जिलों में कई जगह श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं, शोभा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कई संस्थाओं ने बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए और उनके कार्यों को याद किया। अंबेडकर की 126वीं जयंती पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर लगी अंबेडकर की प्रतिमा पर राजनीतिक संगठनों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा की। उधर भेल में भी अंबेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ।
राजगढ़, सीहोर, रायसेन, गुना, विदिशा में भी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली गयी और सभाओं का आयोजन हुआ। सीहोर में मंत्री रामलाल सिंह अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने ग्रामोदय अभियान की लोगों को जानकारी दी और कहा कि इस अभियान से जनता को फायदा होगा और सच्ची नजरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सपनों को साकार किया जा सकेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा ही समाज के निचले तबकों की उन्नति की ओर ध्यान दिया और उनके विकास के लिए सरकारों को प्रेरित किया। मध्य प्रदेश सरकार भी समाज के इसी तबके की उन्नति के लिए ग्रामोदय अभियान शुरू करने जा रही है। यदि गांव का उदय होगा, गांव विकास करेगा तो मध्य प्रदेश भी विकास करेगा। कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण और ग्रामोदय अभियान का सरिगणेश और बड़े तैयारी के साथ जिले की टीम जनपद की संख्या के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो ग्रामोदय पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज से उसकी शुरुआत हो रही है और बिहार के लिए गौरव की बात यह है कि विगत वर्ष मऊ में डॉक्टर बाबा साहब के उनका समागमन हुआ था। आज सीहोर में भव्य प्रतिमा अच्छे तैयार की गई है, उसका अनावरण करके सीहोर जिले ने भी एक अलग पहचान और अच्छा लगन से काम किया है और हर कार्यक्रम सीहोर जिले के अंदर बढ़ चढ़ के जो सरकारी योजना है जनता के कल्याण का उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प आज नौजवानों को ट्रेन करो, जिस तरह से जैसे कि कई दो करोड़ लोगों को देश ने ट्रेन किया और बड़ी संख्या में बहुत बड़ी सफलता पूरे देश में और मध्य प्रदेश में हो रही है। बांधवगढ़ में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अटेर का जहाँ तक सवाल है तो अटेर में भी काफी पिछले चुनाव कांग्रेस की सीट थी, बराबर वोट मिले, काफी वोटों में वृद्धि हुई, वहाँ सहानुभूति से लेकर कई चीजें थी। इसके बावजूद भी बराबरी की टक्कर 700-800 का जीतार तो पंचायतों में हो गया। बहुत जनता ने आशीर्वाद समर्थन दिया है, वहाँ के मतदाताओं को बधाई देते हैं और निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आया। इसका उदाहरण है अटेर सीट हमारे पास पहले भी नहीं थी कांग्रेस की सीट, इसके बाद भी हमारे मित्रों ने सभी तरह के प्रयोग किए, झूठे अनर्गल हम पे आरोप लगाने भी ईवीएम पे भी संदेह किया। इसके बाद भी वहाँ के मतदान और मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने हमको रिकॉर्ड पर नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, उनकी सरकार बना रहे हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में चल रही रामकथा शुक्रवार को भी जारी रही। इस रामकथा की खासियत यह है कि इसकी प्रस्तुति एक जैन संत द्वारा दी जा रही है। राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर के शिष्य छुल्लक ध्यान सागर महाराज की संगीतमय कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता पहुंचे। इस दौरान आयोजन स्थल राममय हो गया। संगीत में प्रस्तुति के साथ रामकथा का वाचन करते हुए संत ध्यान सागर महाराज ने रामकथा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, रामकथा का श्रवण करने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। रामकथा जीवन जीने की कला सिखाती है। अनुशासन, संयमित और मर्यादित जीवन की सीख हमें रामकथा के माध्यम से ही मिलती है। कथा प्रसंगों के साथ महाराज श्री ने भगवान श्री राम के पूर्वजों के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें, यह राम कथा अगले 2 दिन और जारी रहेगी।
मुहिम छिड़ी हुई है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस मुहिम के तहत शुक्रवार को राजगढ़ में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिलाओं ने यहां एक शराब के ठेके में उपद्रव किया और पूरे शराब ठेके को तहस नहस कर दिया। उन्होंने यहां शराब पी रहे लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। महिलाएं हाथ में लाठियां लिए हुई थी और उन्होंने शराब की बोतलें भी तोड़ डाली। मौके पर पहुंची पुलिस भी महिला के इस उपद्रव को नहीं रोक पाई और हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही। गौरतलब है कि प्रदेश में शराब के खिलाफ जन जागरूकता फैली हुई है और महिलाओं ने इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है। अरे मनी सर जा मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान 43 डिग्री पर पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर संभागों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। भोपाल में शुक्रवार दोपहर को पारा 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार झुलसान देने वाली गर्मी लोगों को सहना पड़ेगी। अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में काफी तेज गर्मी पड़ेगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। होशंगाबाद संभाग, रीवा, शहडोल, जबलपुर और इंदौर संभागों के जिलों में सामान्य से अधिक तापमान पहुंच चुका है। भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन में ही प्रदेश में रातें भी गर्म महसूस होने लगेंगी। प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ ही टीकमगढ़, शिवपुरी में रातें ज्यादा गर्म होंगी। पत्रिका टीवी के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।